हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। आज वाली रीडिंग है 12 सितंबर के लिए। तो सबसे पहले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू जो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 12 सितंबर के दिन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी 12 सितंबर वाले दिन। तो ये है फॉलो योर ड्रीम्स। तो यस्टरडे एक कार्ड था न्यू अपॉर्चुनिटी का और गणेशा गाइडेंस का कार्ड था कल्टीवेशन का। तो उससे मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कि कुछ आप में कोई टैलेंट है या गिफ्ट है या कोई क्रिएटिविटी है तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हो। अगर आप बहुत सालों से ये करना चाहते थे अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करना चाहते थे और वो सिर्फ आप 9 to 5 वाली जॉब में स्टक थे तो राइट टाइम है कि आप जो है अपने ड्रीम्स को, जो भी आपके ड्रीम्स थे, अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को लेके, तो आप जो है उन ड्रीम्स के लिए अब काम कर सकते हो। और सिर्फ ड्रीम मत देखो, उसके लिए आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो दो और मेरे पास ओवरऑल एनर्जी के कार्ड हैं, वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का और हैंगमैन का। टू ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों के लिए या दो जॉब्स के लिए या दो सिचुएशन में, दो पर्सन्स में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो जो है, तो ये राइट नाउ जो है ना आपको पॉज लेने की ज़रूरत है। जब आपको लग रहा है ना कि आप किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँच रहे हो और बहुत ज़्यादा आपकी जो है जगलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो आप चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे जो है ना आपको, या आप स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है ना पॉज लेना पड़ेगा। आपको थोड़ी देर के लिए एक्शन बंद करो और अपना पॉज लो और चीज़ों को ना देखने का नज़रिया बदल दो अपना। हैंगमैन होता है ना वो जब चीज़ें उनके उसके अनुसार नहीं चल रही होती हैं, जो वो रिज़ल्ट जो हम लोग कोई एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैसअप होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती, फिर हम लोगों को लगातार उस वही सेम रूटीन में काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोगों को पॉज लेना चाहिए, पॉज लेके जो है ध्यान से सोचना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना है समझदारी के साथ, जिससे जो है आप ना एक जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो वो चेंज जो है आप क्रिएट कर सको। तो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने का नज़रिया अपना जो है ना नज़रिया बदलना पड़ेगा। जैसे हम अगर उल्टा लटक जाएं तो हम लोगों को चीज़ें जो है डिफरेंट उनको देखने का हमारा नज़रिया जो है बदल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको ना कुछ टाइम लेके जो है चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, वो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है ये पर्सपेक्टिव जो है। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ के लिए फोर ऑफ सोर्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है और इसके लिए भी जो हैंगमैन का कार्ड है कि कैसे हम लोग अपने नज़रिया को बदलें, उसके लिए फोर ऑफ सोर्ड्स में जाना ज़रूरी है। यानी कि आराम लेना, सोना नहीं, रात का सोना नहीं, आराम लेना चीज़ों को असेस करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए चीज़ों की, अपने एक्शन को असेसमेंट करने के लिए, अपने पास्ट और प्रेजेंट को असेस करने के लिए कि क्या किया, क्या हुआ, और उसको चीज़ें अब दूसरी तरफ से जो है, जैसे कहते हैं हम लोग ए प्लान वर्क नहीं करा तो शायद बी प्लान से आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ों को असेस करने के लिए आपको जो है ना अपनी मेडिटेट करना, प्रेयर करना, ब्रेक लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ के लिए भी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, और फिर भी चीज़ें आपके अनुसार नहीं जा रही हैं जिससे शायद आपको स्ट्रेसफुल हुआ है काफ़ी और जिससे हेल्थ भी आपकी ख़राब हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बनी हुई हैं। तो उस वजह से जो है आपको फोर ऑफ सोर्ड्स में जाने की ज़रूरत है इस एनर्जी में, ताकि आप मेडिटेट कर सको, प्रेयर कर सको और भगवान जो है आपके आपको सही रास्ता दिखा सके कि कौन से रास्ते पर आपको या कौन सी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है जो आपके लिए यूज़फुल हों। नेक्स्ट चलते हैं करियर के लिए। करियर में है चैरियट का कार्ड और हायरोफेंट, दोनों ही जो हैं कार्ड जो है मेजर अरकाना कार्ड हैं। यहाँ पर चैरियट में मेरे को लगता है कि आप जो है
बहुत ज़्यादा फोकस हो किसी चीज़ के लिए, करियर प्लेस पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, डिटर्मिंड हो किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। इसलिए आप जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, आपने बड़ा अच्छा बैलेंस भी बनाया हुआ है यहाँ पे। लेकिन मेरे को लगता है कि आपको हायरोफाइंड की यहाँ पे ज़रूरत है, ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, यहाँ से भी पता लग रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स से भी पता लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत डिटर्मिनेशन है, आप फुली अपनी फुली फोर्स के साथ आगे बढ़ रहे हो जो भी आप कर रहे हो अपने करियर वर्क प्लेस पे। पर यहाँ पे आपको जो है और सीखने की ज़रूरत है, शायद इसी चीज़ की कमी की वजह से जो है आप जो चाहते हो पाना वर्क प्लेस पे या लाइफ के किसी भी सेक्टर में, वो आपको फुली जो है ना वो मिल नहीं पा रहा, आपके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है आपको कुछ ना कुछ और लर्न करने की ज़रूरत है, किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है, किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ नया स्किल लर्न करने की ज़रूरत है, या फिर जो है अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो कुछ भी जो है ना, ये हायरोफेंट का कार्ड है, जो एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है ये, या एक सिर्फ सिंपल गुरु हो सकता है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन यानी कि कॉलेज और स्कूल, हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं डिग्रीज लेने के लिए, सीखने के लिए, वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, जो हमारी जो है आगे वाले फ्यूचर में हम लोगों के काम के लिए हेल्पफुल होती है। यही चीज़ जो है ना आपको जो है अभी भी इस अपने करियर के लिए अपडेट करने के लिए, अपने करियर, अपने जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो लेने के लिए, पाने के लिए आपको यह कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। किसी से सलाह भी ले सकते हो, ये एडवाइस हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है किसी के साथ, ताकि जो है ना आप ऑनलाइन कोर्सेज हो सकते हैं, ताकि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके कि कैसे आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, या बिजनेस में जो है ना आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। लव के लिए है मेरे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और फोर ऑफ कप का कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं होती, वो जो है ना पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, कमिटेड नहीं होते हैं ये लोगों को जो है ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, ठीक है, मैसेजेस भेजते हैं, ये लोग जो है कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते हैं ये, अगर लव उसमें देखा जाए इन लोगों को तो। पर यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपको काफ़ी देर से स्टॉक कर रहा है, या ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो चाहता है या चाहती है आपके लिए कप लेके आना ये, लेकिन हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रही है। ये पहले अगर आपकी लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा, आप उसमें डूबे हुए हो और एक पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, या आपका ऑब्जर्व कर रहा है आपको केयरफुली, क्या कर रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरह की जो है एक्टिविटीज़, तो आप दोनों में इंट्रैक्शन कोई नहीं है, क्योंकि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के, या आज के दिन सिर्फ जो है आप अपने अपने जो है उसमें डूबे हुए हो, अपने अपने कामों में, या आप में, आप दोनों में देख सकते हो, दोनों के जो है डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये हो सकता है ये लव एनर्जी है। यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का कार्ड जो है टू ऑफ कप्स, थोड़े दिन पहले भी आया था कि यहाँ पे आपका जो है डिवाइन कनेक्शन या यूनिवर्स का कनेक्शन जो है और तेज़ी से बढ़ रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे हीलिंग कप हो सकता है आपकी तरफ, कोई जो है हीलिंग कर रहा है आपके, आपकी, या आप जो है किसी के साथ जो है अपनी हीलिंग, यू नो जो हीलर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, पर जिसके पास भी वो बैठते हैं, अपने बच्चों के पास या किसी के पास, अपने फ्रेंड के साथ, तो वो उनमें चाहे अनचाहे वो हीलिंग करते हैं। इसलिए बहुत से लोग उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, क्योंकि जो है उनका ऑरा ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा हीलिंग वाला ऑरा होता है। तो बहुत ब्यूटीफुल जो है डिवाइन एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी भी हो सकती है कि आपको क्रिएटिव आइडियाज़ दिए जा रहे हैं यहाँ पे, क्रिएटिविटी को फॉलो करने के लिए, जो आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, फॉलो योर ड्रीम्स, उस तरह का कार्ड हो सकता है, या डिफरेंट जस्ट सिर्फ जो है आपकी कोई ना कोई, आप हीलिंग कर रहे हो किसी की, या कोई आपको जो है हील कर रहा है आपके आसपास रहकर। नेक्स्ट चलते हैं अवॉइड क्या करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अवॉइड करना है आपको बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करना आपको, ठीक है, जिस वजह से जो है आपको आप और ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करोगे अगर पेंटिकल्स के ऊपर फोकस करोगे, क्योंकि पेंटिकल्स पे फोकस करने पे आप जो ये हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है या
फोर ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है या किसी गुरु के साथ कनेक्ट करने गाइडेंस की एनर्जी है, वो जो है आप गेन नहीं कर पाओगे अगर आपका पैसा 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 लेके आपका सिर्फ फोकस रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो आपको गाइड कर सकती हैं एक्चुअल में सक्सेस के, वो आप मिस कर जाओगे, जो आपको एक्चुअल में वहाँ पे ले जाएंगी जहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारा अबंडेंस आपको मिले, हर एक चीज़ जो है आपकी, हर एक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। वो सारी चीज़ें आपको हैंग्ड मैन की एनर्जी में रहने से या फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी में डिवाइन गाइडेंस आपको मिल सकती है या किसी काउंसलर के पास जाने से या ट्रेनिंग लेने से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अगर आप टू मच इस पर फोकस करोगे तो बाकी जो है काफ़ी चीज़ें आप जो है मिस कर जाओगे। या उनके लिए हो सकता है ये कि हैव फेथ कि ये जो पेंटिकल्स हैं धीरे धीरे आपकी उसमें आ रहा है, या पेंटिकल ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला जो होता है ना, वो सबसे स्लोएस्ट एनर्जी होती है। आप देख सकते हो कि हॉर्स भी ना बड़े आराम से खड़ा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी होती है जो आपकी तरफ बढ़ तो रही है लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचो मत बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के बारे में राइट नाउ के लिए। तो अगर आपका एंजल से क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एंजल कार्ड रिवील करने वाली हूँ। यहाँ पर ये है कार्ड लेट गो का। तो यहाँ पे जो है कुछ अगर चीज़ें आपके बिलीव्स जो हैं, आपकी रूटीन्स जो हैं, कुछ ऐसी जो आप हैंग्ड मैन में कि पुरानी चीज़ें जो पुरानी बिलीव्स जो हैं वो पुरानी एनर्जी आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो उनको लेट गो करने की ज़रूरत है लाइफ में, ताकि आप जो है न्यू चीज़ें न्यू एनर्जीज जो हैं अपनी लाइफ में वेलकम कर सकें। जिस तरह से यहाँ की ये नॉलेज हो सकती है आपकी सक्सेस के लिए, इसको वेलकम कर सकें अपनी लाइफ में, जिसका आपको आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा हो। लास्ट कार्ड है यहाँ पे गणेशा गाइडेंस का परसवियरेंस 28। अपनी ट्रू सेल्फ को फॉलो करना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। यस्टरडे कार्ड था कि आप क्विट कर रहे हो जो भी आप पाना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा वेट कर ली है। यहाँ पे ये है कि सब कुछ आपकी तरफ आएगा, बस आपको करना है क्या है, यू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको अपने लिए ऑनेस्ट रहना और अपनी ट्रू सेल्फ को फॉलो करना है, ठीक है। अगर ट्रू सेल्फ को फॉलो करते हो तभी आपको ये भी पता लगता है कि कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में से जाने वाली हैं या हटा देनी चाहिए, ताकि जो है आप फुली जो है अपनी ट्रू सेल्फ को जो है एम्ब्रेस कर सको, जो भी आपकी ट्रू सेल्फ है। यहाँ पे ये हर एक पर्सन के लिए अलग हो सकती है। सो ये थी रीडिंग 12 सितंबर के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मेरे को। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो angelguidance2020@gmail.com पर। एंड बाय फॉर नाउ।